अरे कहाँ गया, अभी तो यहीं था। जनाब बोरा उधर भाग के गया है। जल्दी चल, कहीं यहाँ से ना निकल जाए। चलो। अरे यार अपने देश की पुलिस इतनी कामकाजी कब से होने लग गई है, और इतनी फिट भी, इतनी दूर तक भगा दिया। अब जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ, देख लिया तो बहुत मारेंगे। अबे कहाँ गया, तू तो कह रहा था इधर ही आया है, यहाँ तो नहीं दिख रहा वो। अरे हाँ जनाब मेरी आंखें बटन थोड़ी है, इधर नहीं आया तो उधर गया होगा। चलो अबे तो चलना जल्दी, यहाँ से निकल जाएगा वो, चल जल्दी। ये गेट खुला हुआ है, इधर ही गया होगा, चल अंदर चलो। तू जानता नहीं है, मैं एक बार बोलता हूँ फुल एंड फाइनल हो जाता है, समझा? चल फोन रख। अरे अरे कहाँ घुस जा रहे हो, ये तुम्हारी बुआ का घर है क्या? अरे नहीं भैया, दरअसल हमने एक चोर को ढूंढ रहे हैं, वो इधर ही भाग कर आया है। ओ पुलिस ये तो मुझे जानता नहीं है, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है, मेरे आगे ना अच्छे अच्छों की पतलून गीली हो जाती है, समझा? हमारे साहब की तो हमेशा ही गीली रहती है। चुप कर, जबान चलने लगी है तेरी। अरे रुद्र भैया आपको कौन नहीं जानता है, मैं तो बस उस चोर को पकड़ने आया हूँ। अरे उस चोर ने मेरे घर में ही चोरी कर ली है, और मेरी बीवी मुझे ही अपने घर में नहीं घुसने दे रही है। उस चोर को पकड़ना बहुत जरूरी है। बात तो सही है, बीवी के आगे किसी की नहीं चलती। तो रुद्र भैया मैं आपके घर में देख लूँ, बस थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। हाँ हाँ देख लो, वैसे भी मैंने किसी को आते हुए नहीं देखा, मैं तो कब से यहीं बैठा हूँ फोन पे बात कर रहा हूँ। जी भैया चल बे। पड़लाल पूरा करना, अच्छे से चेक करना। जी जनाब, आपसे यही उम्मीद थी कि आप कुछ नहीं करेंगे। क्या क्या बोला तू? कुछ नहीं साहब, कर रहा हूं। चल देखो। अरे ये मेरी बहन का रूम है, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अरे भैया जी बस चेक कर रहे थे, थोड़ी तसल्ली मिल जाती। ठीक है कर लो, पर थोड़ा ध्यान से। छोटी। हाँ भैया बोलो, कुछ काम था क्या? कुछ नहीं छोटी, ये पुलिस वाले ना किसी को ढूंढ रहे हैं, बस हमारा घर चेक कर रहे हैं। तो मेरे रूम में क्या मिलेगा? वो मुझे पता है, पर इनकी तसल्ली के लिए इन्हें कर लेने दो। अरे लेकिन वहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं मैडम, बस चेक कर रहे हैं तसल्ली के लिए। नहीं बार बोला है तुम्हें, इतने काम के लिए मुझे फोन मत किया करो, समझ नहीं आता? तुम मुझे जानता नहीं है, एक बार बोल दिया ना। पिंकी पिंकी मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, तुम्हारा घर खुला हुआ देख के मैं तुम्हारे घर में घुस गया, वो लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए। पिंकी मुझे बचा लो प्लीज। पिंकी तुमने फिर से कोई कांड करा ना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये सारे काले धंधे छोड़ दो, लेकिन तुम्हें समझ कहाँ आती है? अरे यार पिंकी तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे खुद दूध की धुली हो। अरे तुम्हारा भाई एक गुंडा है और मैं तो उसके आगे एक मामूली सा चोर हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा फैलो मत, बताओ क्या करना है? अरे अभी के लिए तो मुझे सिर्फ कहीं छुपा लो, वो लोग आते ही होंगे। अच्छा तो तुम एक काम करो, मेरे रूम में कोई नहीं आएगा, तुम बाथरूम में जाके छुप जाओ। ठीक है मैं बाथरूम में छुप जाता हूँ, तुम तब तक बाहर संभालो। ठीक है अब क्या हुआ, जाओ ना। अरे यार इतने दिनों बाद मिले हो, गले तो लगा लो एक बार। ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें रोमांस सूझ रहा है? ठीक है मैं जाता हूँ, तुम बाहर संभालो। जाओ। अरे लेकिन वहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं मैडम, बस चेक कर रहे हैं तसल्ली के लिए।
अरे यार पुलिस तो यहाँ भी आ गई, अब क्या करूं? अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ये लोग तो बाद में मारेंगे, इसका गुंडा भाई पहले ही मेरी जान ले लेगा, अब क्या करूं? अरे पिंकी, जब मैं बाथरूम में गई थी तब तो तू अकेली थी, अब ये मुस्टंडे कहाँ से आ गए? पिंकी, ये कौन है और यहाँ कब आई? भैया वो, अरे कुछ बोलेगी भी या मुँह में दही जमा रखी है? अरे मैं बताती हूँ ना आपको, मैं हूँ पूजा, प्यार से लोग मुझे पू बुलाते हैं, पू। अच्छा तो फिर मुँह से बुलाए पू या पाद मार के बुलाए? पद्मलाल क्या बकवास कर रहे हो, पता है किसके घर पे खड़े है? पर आपका भाई यहाँ पे, मैंने तो आपको नहीं देखा। अरे यही तो आप जैसे गबरू नौजवान की खराब बात है, मेरे जैसे माल, मेरा मतलब है कि इतनी सुंदर लड़की को देखते ही नहीं हो। कौन है पूजा? रुद्र जी, पूजा नहीं, पू, पू, पू। अरे भैया वो मेरी फ्रेंड है, पहली बार आई आज हमारे घर। अच्छा वो सब ठीक है, हाँ भाई तुम दोनों की तहकीकात हो गई, चलो जाओ यहाँ से। अरे पुलिस, ये तुम्हारा काम हुआ या के मदद करूं? जनाब चलो यहाँ से, वरना किसी और को भी देखने के लायक नहीं बचेंगे। हाँ जी भाई जी, हो गया, जा रहे हैं, बाय बाय पूजा, बाय पू, बाय। बात बताओ पिंकी, ये तुम्हारी कौन सी फ्रेंड है जिसे मैंने आज तक नहीं देखा? अरे भैया इससे मेरी फ्रेंडशिप ऑनलाइन क्लास में हुई थी, ये पहली बार आई है अपने गांव से। सही कहा जाता है, गांव में ही अपनापन है और ये अपनी अपनी सी लगती है। जी इस वैसे तो मैं अपने पापा की हूँ। बड़ा अच्छा मजाक कर लेती हो आप। अच्छा भैया मैं इसे घर दिखा देती हूँ। हाँ हाँ पूरा घर दिखाओ और मेरा कमरा भी दिखा देना। पिंकी देखा तूने अपने भाई को कैसे हैवानियत वाली नजरों से मुझे देख रहा था? लड़कियों के कपड़ों में तो लग ही इतना सेक्सी रहा है, या क्या कोई भी तुझ पे टूट पड़ेगा। साला आज पता चला जब कोई आदमी किसी लड़की को छेड़ता है तो कैसा फील होता है। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी इज्जत तो मैं ही लूटूंगी। अरे यार तू क्या कर रहा है सुबह सुबह? अरे जिसका डरता वही हुआ, तेरे भाई ने मेरी इज्जत पर हाथ डाल दिया। मेरा भाई ऐसा वैसा नहीं है। अच्छा मेरी माँ वहाँ जाके देख तेरा भाई कैसा है, तुझे खुद पता चल जाएगा, देख जरा देख। तू बस हंसती रही हो और कुछ मत करियो। करती हूँ ना भाई की संतरे खाने में मदद। देखा कैसे तेरे भाई का पागल बनाया, बड़ा गुंडा बना फिरता है। अरे उसके ही घर में उसकी बहन के साथ रोमांस कर रहा हूँ और उसे पता भी नहीं चला। ज्यादा उड़ मत पंकज, वो तुझे कोई और समझ रहे हैं, इसीलिए बचा हुआ है तू अभी तक, वरना तो तू गया था कब का। अरे पू तुम यहाँ पे हो, मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लिया। आपको कुछ काम था क्या मुझसे जो आप मुझे इतनी देर से ढूंढ रहे हो? याद तो पूरी रात भर किया पर तुम मिली कहाँ? कुछ कहा क्या आपने? जी नहीं, कुछ सुना क्या आपने? भैया कुछ काम था क्या? अरे तू यहाँ पे, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। जा नीचे जा, गैस पे दूध चढ़ा हुआ है, स्लो कर दे, जा। अरे रुक पिंकी मैं भी आती हूँ। आप कहाँ जा रही है? आप यहीं रुके, मैं आपको देता हूँ। क्या ये क्या कह रही है आप? अरे मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, वैसे आपने क्या सोचा? कुछ नहीं भाई, ये तो हाथों के पीछे ही पड़ गए। वैसे काफी हट्टी कट्टी हैं आप, कौन से चक्की का आटा खाते हैं? वो मैं गांव में कुश्ती लड़ती हूँ ना, अच्छे अच्छे मुस्लिमों को सबक सिखा देती हूँ, उठा उठा के पटकती हूँ, इसलिए थोड़ी हट्टी कट्टी बॉडी बनाई हुई है मैंने। वैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड है? हाय रब्बा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप?
अरे बताइए ना, यहाँ पे सब अपने ही हैं। अरे नहीं जी, मुझे शर्म आती है। अरे शर्मा की लगता है गिर गई मेरे प्यार में। अरे यार पिंकी, तेरा भाई तो मेरे पीछे ही पड़ गया हाथ धो के। अब क्या कर दिया मेरे भाई ने? तेरा भाई मुझसे पूछ रहा है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तो तू बता देता ना कि तेरी गर्लफ्रेंड है, वो भी मैं। बहुत ज्यादा मजाक सूझ रहा ना तुझे, तेरे इस मजाक के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाए। लगता है तू भी मेरे भाई को पसंद करने लगा है। हाँ करने लगा, तेरे भाई को पसंद करने लगा हूँ मैं। गद्दारी कर वो। यार झूठे, क्या हंसी मजाक लगा रखा है, कुछ सोच, कुछ सोच कैसे बचा जाए। ठीक है मैं कुछ सोचती हूँ। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे सब? भैया वो पू मुझे चाय बनाना सिखा रही थी। ऐसे कौन चाय बनाता है? अच्छा ये सब छोड़, ऊपर ना कपड़े डले हुए छत पे और बारिश आने वाली है, जा उतार ले। जी भैया जाकर देखती हूँ। रोजी मुझे भी चाय बनाना सिखाओ ना। नहीं लगता है शर्मा के भाग गई। अरे तूने ड्रेस चेंज कर ली? अगर भैया ने देख लिया तो तुझे मेरे रूम में, वो भी इस हालत में, तू तो गया। अरे देख लेने दो, डरता थोड़ी हूँ तुम्हारे उस गुंडे भाई से। अरे कोई नहीं डरता मैं उससे। अरे तू कौन है और मेरी बहन के कमरे में क्या कर रहा है? जीवू में दरअसल जीवू में। अबे जी अटक गया क्या हलक में? एक घूसे में निकाल दूंगा, जल्दी बोल। भैया ये वो पू का भाई है, आज ही आया गांव से। साले साहब क्या कहा? अरे आप यहाँ आए हो, गले वाले मिलो, लगते तो पूरी अपनी बहन की तरह हो आप। वो जी क्या है ना, हम दोनों के पापा एक ही है इसलिए हमारी शक्ल मिलती है। मजाक मजाक तो तुम अपनी बहन की तरह करते हो, पर वो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? भैया वो बाथरूम में नहा रही है। अरे मुझे बता देती मैं उनके साथ। मतलब मेरे को बता देते मैं एक बार चेक कर लेता टंकी में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। भैया मैंने सारे नल टैप चेक कर लिए हैं, सब में पानी आ रहा है, आप अपने पे ध्यान दीजिए। अरे ये सब छोड़ो साले साहब, आप आओ मैं आपको मसालेदार चाय पिलाता हूँ। एक मिनट, ये आप बार बार मुझे साले साहब क्यों बोल रहे हो? अरे आप बुरा मत मानो, हमारे यहाँ जो अपना सा लगता है हम उसे प्यार से साले साहब कहते हैं। अच्छा अच्छा, तभी मैं कहूँ आपसे मिलकर इतना अपनापन क्यों लग रहा है, क्यों साले साहब? हाँ हाँ आप भी मेरी तरह हंसी मजाक करने वाले बंदे हो। सही कहा आपने, तो इसी बात पे हो जाए थोड़ी थोड़ी। तो साले साहब आप ये बताइए, आप अपनी बहन के लिए कैसा लड़का ढूंढ रहे हैं? अच्छा तो ये चल रहा है इसके दिमाग में। जी देखिए मुझे तो अपनी बहन के लिए बिल्कुल शांत स्वभाव का लड़का चाहिए। और क्या क्या गुण होने चाहिए? जी और वो किसी लड़की किसी की माँ बहन के पीछे ना पड़ाओ, और वो भी हाथ धोकर, और खास कर अपनी बहन की फ्रेंड के पीछे ना पड़ाओ। अरे रुक पिंकी मैं भी आती हूँ। आप कहाँ जा रही है? आप यहीं रुके मैं आपको देता हूँ। क्या ये क्या कह रही हैं आप? अरे मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, वैसे आपने क्या सोचा? कुछ नहीं भैया, तो हाथ धो के पीछे ही पड़ गए। जी भैया जाकर देखती हूँ। रोजी मुझे भी चाय बनाना सिखाओ ना। नहीं लगता है शर्मा के भाग गई। बड़ी डिमांड्स हैं आपकी। अरे इतना ही नहीं, आगे तो सुनिए, वो ऐसा होना चाहिए जो अपनी बहन पे बंदिशें ना लगाता हो। अरे तभी तो मेरी बहन भी उसके साथ आजाद रहेगी। कहाँ जा रही है पिंकी? भैया वो मैं कॉलेज जा रही हूँ। रोज रोज कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है, तू गए तो डिग्री घर पे ही मंगवा देता हूँ, ये चोटलेबाजी भी खत्म हो जाएगी। क्या भैया अब आप मुझे कॉलेज भी नहीं जाने दोगे क्या?
कंडीशन में वीजा नहीं मिलता जितने में तुम जीजा ढूंढ रहे हो। देखिए अब जो है सो है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। अब बोल बेटा, बहुत फालतू बोल रहा था ना। ओए माँ। खैर आप मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए, आपको कैसा जीजा चाहिए? हमें कैसा जीजा चाहिए? देखिए मैं अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो जान है मेरी। मेरे बाद जो उसकी सबसे ज्यादा हिफाजत करेगा वैसा ही जीजा चाहिए मुझे। जाने मन, चलती है क्या 9 से 12? पंकज इसको कुछ कहो ना, ये मुझे छेड़ रहा है। हाँ बोलता हूँ। भाई साहब ऐसा मत करो, ये छेड़ना मेड़ना ना लड़कियों को बहुत गलत बात होती है, जाओ यहाँ से। मैंने भी किस डरपोक को बोल दिया मुझे बचाने के लिए। तुम्हें पता है, पहले मैं प्यार से ही समझाता हूँ, फिर उसके बाद ऐसे ही पीटता हूँ जैसे तुमने भी पीटा, सेम ऐसे ही पीटता हूँ। तुम बस रहने ही दो, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। जा, ऐसा ही होना चाहिए मेरा जीजा, एकदम दिलेर। अगर मेरी बहन को कोई खतरा है ना तो वो खतरा अपने ऊपर ले ले, उसी आदमी के हाथ में दूंगा मैं अपनी बहन का हाथ। पंकज बेटा, पिंकी इस जन्म में तो तुझे नहीं मिलने वाली, ऊपर वाले से कुछ जुगाड़ लगा के अगले जन्म के लिए उसे बुक कर ले बेटा। अबे तू यहाँ फिर से क्यों आ गया बे? बिना लात खाए मानेगा नहीं क्या? क्या बोला बे, क्या बोला तू? अरे जनाब मैं ये बोल रहा था कि ये रुद्रा का घर है, पकड़े गए तो वो मारेगा कम और घसीटेगा ज्यादा। हाँ पता है भाई पता है, लेकिन रुद्रा से ज्यादा खतरनाक मेरी बीवी है। जब से उसका हार चोरी हुआ है ना, मैं घर नहीं जा पाया हूँ। हाँ जनाब आप मुझे ना बताइए, तब से आप मेरे ही घर में डेरा जमा के बैठे हैं। अरे हाँ यार, तू ही तो मेरा भाई है, अगर तू काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? अरे वो तो ठीक है जनाब, पर बात तो सिर्फ घर में घुसने की हुई थी ना, आप तो पता नहीं कहाँ कहाँ घुस जाते हो। क्या मतलब है तेरा, कहाँ कहाँ घुस जाता हूँ? रहने दो जनाब, रात को आपको भाभी की याद आती है और आप मेरी रात खराब कर देते हो। चलो ठीक है, रात गई बात गई, अब हमें इस चोर को पकड़ना है। पर जनाब प्लान क्या है ये तो बताइए। सुन, मैं और तू गुंडा बनकर अंदर जाएंगे और अंदर जाती बंदूक निकाल कर बोलेंगे कि हम किसी को लेने आए हैं, और जैसे ही रुद्रा देखेगा वो अपनी बहन को बचाने के लिए डर जाएगा और वो कहेगा कि जिसको ले जाना चाहते हो ले जाओ, और फिर हम चोर को पकड़ कर ले आएंगे। आज लगता है इस दुनिया में इसका आखिरी दिन है, ये रुद्र से पंगा लेने जा रहा है। हे भगवान, मैं तो फ्री फंड में शहीद हो जाऊंगा। अबे क्या सोच रहा है, चल जल्दी उसे पकड़ना है। हाँ जनाब चलो। ओए, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा वरना गोली मार दूंगा। अबे कौन है तुम लोग, तुम्हें पता तुम कहाँ आए हो और मैं कौन हूँ? अबे यार इसको एक ही डायलॉग आता है कि जब देखो कौन हो जानते हो मेरे को जानते हो, क्या है ये? क्या चाहिए तुम लोगों को, और तुम दोनों किसके आदमी हो? अरे हम अपनी औरतों के आदमी है, तू अपना देख ले। मुझे मरवाएगा क्या? जब देखो बकवास करता रहता, पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब तुम मुझे मिला। भैया ये सब क्या हो रहा है? ए, चुप, बिल्कुल चुप। और तू उस लड़के को बुला, वरना तेरी बहन तो आज गई। छोड़ दे उसको, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो तेरी पुश्ते खराब कर दूंगा। अरे हमारे उस्ताद जी पुश्ते करने के काबिल ही नहीं है, तुम क्या खराब करोगे। आज ना पहले तू ही मरेगा। मैडम जी एक मिनट। यार ये पिंकी को क्या जरूरत थी बीच में कूदने की, ये मर जाता और पिंकी इसके पैसों पे ऐश करते। अबे जल्दी उस लड़के को बुला ले वरना तेरी बहन नहीं बचेगी आज। बचेगा तो तू भी नहीं, छोड़ मेरी बहन को। बंदूक लगा दी। अरे यार मैं पिंकी से इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, उसे कुछ नहीं होने दे सकता, अब क्या करूं?
तो तू ही है वो चोर, मेरे घर में मेरी बहन के साथ। अरे भैया मेरी बात तो सुनिए। हाँ भैया, ये मुझसे बहुत प्यार करता है और यहाँ आपका दिल जीतने आया था। अच्छा, तू भी इसके साथ मिली हुई है और ये ऐसे दिल जीतेगा लड़की बनकर? भैया आपको ये सब दिख रहा है लेकिन ये नहीं दिख रहा इसने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई है। आप ऐसा ही तो लड़का चाहते थे मेरे लिए? हाँ बहन, मैं ऐसा ही लड़का चाहता था तेरे लिए, जो तुझे प्यार करे और खुश रखे, और तुम दोनों की खुशी में मेरी खुशी है। अरे अब ये सूट वूट निकाल भी दो जीजा जी। जीजा जी नहीं, आपकी पू। Hey guys! तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मोटू चिल्ला रहा है उसको, हे गाइस मैं आ रहा था, बाय, आई लव यू गाइस।